Good morning to one and all. Today we'll be starting with a new chapter of economics that is called cost. This is the sixth chapter of microeconomics. Now, let us understand what is cost. Cost means the money spent on producing a commodity. In a layman language, cost means jitna bhi paisa ek cheez ko produce karne ke liye kharch kiya jata hai, the amount of money spent on producing a commodity. Amount of money spent on producing a commodity. तो जितना पैसा एक चीज को प्रोड्यूस करने पे प्रोड्यूसर खर्च करता है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट. सो फॉर अ कॉस्ट वी मीन्स इट इज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी. जो भी प्रोड्यूसर एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, फैक्टर इनपुट या नॉन फैक्टर इनपुट पे जो भी खर्चा करता है, उस टोटल खर्चे को हम उस चीज की प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कहते हैं. फिर पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने में स्पेंड करता है, और फिर ये प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में बिक के रेवेन्यू अर्न करता है. दैट मीन्स जब इसको प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल ऑफ करेंगे तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि जो आप प्रोडक्ट का प्राइस रख रहे हैं उसमें ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कवर होनी चाहिए. सो कॉस्ट मीन्स अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन, एस हमने पिछले चैप्टर में प्रोडक्शन फंक्शन भी डिस्कस किया था, वैसे ही कॉस्ट फंक्शन है. सी इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू. कॉस्ट फंक्शन व्हाट डज इट शोज? इट एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप. इट एक्सप्रेसेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. सो कॉस्ट फंक्शन एक्सप्रेसेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. दैट मीन्स सी रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट. यहाँ पे सी रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट एंड क्यू रिप्रेजेंट्स, आपका जो क्यू है दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट. सो फंक्शनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट, व्हाट डज कॉस्ट फंक्शन रिप्रेजेंट? कॉस्ट फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. दैट मीन्स कितनी कॉस्ट स्पेंड हुई है इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. दैट रिलेशनशिप, कितनी कॉस्ट और कितना आउटपुट, this relationship is called as cost function. The relationship at cost and output at any point is called as cost function. So next definition that we had was cost function. First was cost. Cost kya hota hai? Amount of money spent on producing a commodity. Then what is cost function? It is functional relationship between cost and output. That means amount of money spent on producing a commodity is called its cost. To कितनी कॉस्ट पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, एफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट फंक्शन. माइंड इट ऑफ इट, मैंने आपको लास्ट जब चैप्टर्स करवाए हैं उनमें भी बताया था कि हम मैक्सिमम कंसेप्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो शॉर्ट रन कंसेप्ट है. तो जब हम कॉस्ट और आउटपुट के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट है एंड इट इज अ शॉर्ट रन कंसेप्ट. कॉस्ट फंक्शन भी हमारा जो है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज शॉर्ट रन कंसेप्ट. नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने अभी यूज किया था, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, जो भी प्रोड्यूसर ने एक चीज को प्रोड्यूस करने पे खर्चा किया है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, या इनको इनपुट्स भी कहा जाता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स, जो भी इनपुट्स पे खर्चा किया है एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी इनपुट्स उसने यूज किए वो उसकी कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे. इनपुट्स की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे. इनपुट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज फैक्टर इनपुट एंड अदर वन इज कॉल्ड एज नॉन फैक्टर इनपुट. The factors of inputs are divided into two parts, that is factor input and non-factor input. Factor input मैंने हमने पिछले chapters में भी discuss किया था कि हमारे चार factors of production होते हैं, that is land, labor, capital and entrepreneur. तो इनके ऊपर जो cost आती है, that means land पे जो rent दिया जाता है, labor पे जो wages दी जाती हैं, capital पे interest और entrepreneur पे profit. इनको तो फैक्टर इनपुट कॉस्ट कहा जाता है. लैंड पे आपका रेंट जाता है, लेबर पे वेजेस जाती हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट जाता है और एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं. इन्हें बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है या फैक्टर इनपुट्स कहा जाता है, और इनकी जो कॉस्ट होती है उन्हें फैक्टर इनपुट कॉस्ट कहा जाता है. और नॉन फैक्टर इनपुट कॉस्ट में आपका वो सारी कॉस्ट आ जाएगी, लाइक कॉस्ट ऑफ फ्यूल,
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी कॉस्ट जो एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन फैक्टर इनपुट कॉस्ट. सो बेसिकली एक चीज के प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दो तरह के इनपुट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं फैक्टर इनपुट्स और दूसरे होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो उनके रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसे फैक्टर इनपुट कॉस्ट कहा जाता है. और इसके अलावा जो भी कॉस्ट होती है, दैट इज कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इन सबको नॉन फैक्टर इनपुट कॉस्ट कहा जाता है. राइट नाउ आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट विल स्टडी components of cost. Very, very important. What are the components of cost? जब भी producer कोई भी चीज produce करता है, producer दो तरह के factors जो है वो use करता है. One is called as दो तरह के cost जो है वो incur करता है. One is called as explicit cost, and second one is called as implicit cost. Explicit cost and implicit cost. Now, what is explicit cost? Let us understand what is explicit cost. Very, very important. इसके बाद जो definition हम करेंगे इन components के बाद, वो cost की definition थोड़ी refined definition करेंगे, जो as a student of economics we expect the students to write. When we say cost means amount of money spent on producing a commodity, this is not a definition in exact economic terms. आपको definition, because you are well acquainted with the terms and terminology of economics, so you need to answer cost in terms of explicit and implicit. So the new definition of cost that we'll be framing after discussing the components of cost, that is explicit cost and implicit cost. But explicit cost. Explicit cost is actual money expenditure. This is actual money expenditure done on, it is the actual money expenditure done on purchasing और हायरिंग इनपुट्स. बच्चे प्रोड्यूसर जब चीज प्रोड्यूस करता है, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो बाहर से लेता है. दैट मीन्स सपोज करो उसने कुछ एम्प्लॉयज को काम पे रखा, उसने दुकान ली काम करने के लिए, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो बाहर वाले किसी बंदे से हायर करता है जिनको उसने पेमेंट करनी है, जैसे लेबर बाहर से हायर की, उनको वेजेस देगा, बाहर से दुकान ली है रेंट पे जिसमें वो काम करेगा, तो वो रेंट जो देगा वो सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. दिस इज एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर डन ऑन परचेजिंग, तो खरीदा है और हायरिंग द इनपुट्स. जो इनपुट्स उसके अपने नहीं है, उसने बाहर से हायर किए हैं, से उसने मैनेजर रखा जो पूरे काम को ओवरलुक करेगा, तो मैनेजर की जो सैलरी होगी वो भी एक्सप्लिसिट है. जो पैसा बाहर जा रहा है, किसी आउटसाइडर को पे किया जा रहा है, उनकी कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट में काउंट किया जाएगा. इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, जो एग्जैक्टली खर्चा किया गया है ऑन परचेजिंग और हायरिंग इनपुट्स. इट इज अ पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने हायर किए हैं, उनको जो भी पेमेंट की है, दैट पेमेंट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने बाहर से हायर किए हैं, उनको जो भी पेमेंट की है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एग्जाम्पल, वेजेस पेड टू एम्प्लॉय, इट कैन बी वेजेस पेड टू एम्प्लॉई. मैंने ऑलरेडी बताया कि उसे काम करने के लिए सिर्फ 10 लेबर्स को काम पे रखा था, तो 10 लेबर की जो भी वो वेजेस पे कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. क्योंकि ये इसका अपना फैक्टर नहीं है, इसने बाहर से हायर किया है. बाहर से अगर फैक्टर हायर करोगे तो एक फिक्स प्राइस पे हायर करोगे, जिसके डिस्कशन फैक्टर को हायर करने से पहले होगी और उसको एक फिक्स अमाउंट पे किया जाएगा. दैट अमाउंट विच यू आर पेइंग टू आउटसाइडर, दैट प्रोड्यूसर विल काउंट एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, उसकी जो भी आप पेमेंट करेंगे, दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. से पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. अभी मोर डिफरेंसेस विल डिस्कस व्हेन विल कंपेयर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. नाउ लेट्स कम टू इम्प्लिसिट कॉस्ट. बच्चे कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूसर बाहर से हायर करता है और कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूसर के सेल्फ सप्लाइड होते हैं. जो फैक्टर्स प्रोड्यूसर के सेल्फ सप्लाइड हैं, उनकी कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शंस करते हुए अपनी दुकान में काम शुरू किया, अपनी दुकान दैट वॉज ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ. सो उस दुकान का जो रेंटल होगा, क्योंकि वो किसी बाहर वाले को पे नहीं किया जा रहा, ऑनर को ही पे किया जाएगा, सो कॉस्ट इन्वॉल्व विद दैट विल बी कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. So,
एक्सप्लिसिट कॉस्ट आउटसाइडर्स को पे की जाती है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर. इट इज अ कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर. हेयर सेल्फ सप्लाइड मीन्स ऑनर सप्लाइड. हेयर सेल्फ का मतलब है ऑनर सप्लाइड फैक्टर्स. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑनर ने प्रोवाइड किए हैं, ऑनर के अपने हैं, उनकी कॉस्ट को वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेगा. नाउ फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर में यूटिलाइज हिज ओन बिल्डिंग और ओन कैपिटल और एक्ट एज मैनेजर इन हिज ओन फर्म. तो अगर ओन बिल्डिंग है तो रेंट अपना आएगा, अगर ओन कैपिटल है तो इंटरेस्ट अपना आएगा, और इनकेस ही इज वर्किंग हिमसेल्फ एज अ मैनेजर तो सैलरी भी उसको ही आएगी. तो ये तीनों कॉस्ट इन दिस केस विल बी कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, वेयर सेल्फ मीन्स ऑनर सप्लाइड फैक्टर्स. डन है? बिकॉज बच्चे इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम नॉर्मल प्रॉफिट्स भी इंक्लूड करते हैं. इम्प्लिसिट कॉस्ट का ही हम दूसरा कंपोनेंट, इसी में हम इंक्लूड करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो वो इतना सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, वो अपने फैक्टर्स की कॉस्ट तो निकालेगा ही निकालेगा, जो उसके सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स है, प्लस जो बाहर वालों को पे करना है वो भी पे करेगा. उसके अलावा प्रोड्यूसर इस चीज को प्रोड्यूस करके अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न करना चाहेगा ताकि वो इस बिजनेस को कंटिन्यू करे. प्रोड्यूसर इज टेकिंग टेंशन टू अरेंज ऑल द फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट एंड डूइंग प्रोडक्शन विद द एम टू अर्न एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट. तो प्रोड्यूसर के लिए रिटर्न में वो नॉर्मल प्रॉफिट भी जाएगा. अगर प्रोड्यूसर को इस चीज की प्रोडक्शन से नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं निकल रहे हैं, देन डेफिनेटली ही विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव. वो इस बिजनेस को रन नहीं करेगा, वो ऑल्टरनेटिव सोर्स के लिए जाएगा. बट अगर इसकी अगर एक चीज की प्रोड्यूस करने की कॉस्ट से वो बाहर वालों को जो पे करना है वो भी निकाल पा रहा है, अपने सारे फैक्टर्स की कॉस्ट भी निकाल पा रहा है, प्लस अपने लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा पा रहा है, तब वो उस प्रोड्यूसर को, यही प्रोड्यूसर एक चीज को बेच के चाहेगा, कमाना चाहेगा. सो प्रोड्यूसर एक चीज को बेच के क्या कमाना चाहेगा? उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दैट मीन्स व्हाट ही नीड टू पे टू द आउटसाइडर, इम्प्लिसिट कॉस्ट व्हाट ही नीड टू हैव फॉर हिज ओन सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, प्लस इतना सब कुछ, इतनी टेंशन लेने का, इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करने के बदले नॉर्मल प्रॉफिट्स. सो implicit plus explicit plus normal profit is the cost which the producer needs to recover by selling a commodity. ये वो है. So अब अगर हम cost को define करें, cost means it is sum total of explicit plus implicit plus normal profit. हमने पहले जो डेफिनेशन की थी मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, दैट इज अ लेमैन लैंग्वेज. अगर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं भी है तो वो भी यही डेफिनेशन बताता है कि व्हाट इज कॉस्ट, मीन जो भी खर्चा एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जा रहा है. बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू नीड टू आंसर इट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट. सो व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट. Cost of production is the sum total of explicit cost plus implicit cost, and implicit cost includes normal profit. Is it clear? So this is the definition of cost that we'll get after studying this topic, that is explicit plus implicit plus normal profit. So cost or economic cost. Economic cost means sum total of explicit cost, EC denotes explicit cost, plus IC, that is implicit cost, plus normal profit. EC plus IC plus normal profit. After this, next topic that we have is what is the difference between explicit cost and implicit cost. Explicit or implicit cost ke beech mein kya difference hai? What is the difference between explicit cost and implicit cost? But the first is the meaning that we people have already discussed, that explicit cost is the cost which is paid to outsiders for hiring the factor inputs. Or implicit cost is the cost of self-supplied factors. Hiring the factor inputs, or this is the cost of self-supplied factors. But in this explicit cost, there is actual money expenditure, actual money payment which is made to outsider. Implicit cost, we take the imputed value. When I say imputed value, इसमें actual expenditure है और इसमें imputed value है. When I say it is imputed value, that means the value which is estimated. Producer ने अपनी से दुकान को use कर रहा है production के लिए, तो उस दुकान का interest, rent जो है वो assume कर लेता है कि अगर ये दुकान मैंने किसी बाहर वाले को दी होती तो ये दुकान मुझे 10,000 rent कमा के देती. तो say इस दुकान का rent कितना हुआ? 10,000. क्योंकि say उसने estimate किया है, actual कुछ ऐसा नहीं है, उसे पेमेंट अपने आप को ही करनी है, तो वी टेक इट एज इम्प्यूटेड वैल्यू. तो इस केस में जो वैल्यू होती है, दिस इज
इम्प्यूटेड वैल्यू. सो कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में एक्चुअल मनी पेमेंट्स होती है और इसमें इम्प्यूटेड वैल्यू होती है. बिकॉज ये ऑनर्स के ओन सप्लाइड फैक्टर्स हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो एज्यूम कर लेता है. सो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज इम्प्यूटेड वैल्यू. ये पेमेंट कंसेप्ट है, ये रिसिप्ट कंसेप्ट है. ये पेमेंट कंसेप्ट है क्योंकि आउटसाइडर्स को पेमेंट की जा रही है. ये ऑनर के लिए कौन सा कंसेप्ट हुआ? रिसिप्ट कंसेप्ट, क्योंकि ये सब कुछ, ये सारी कॉस्ट जो है उसी को आनी है. तो दिस इज द रिसिप्ट कंसेप्ट. आई एम नॉट राइटिंग इट डिटेल बिकॉज दीज डिटेल नोट्स यू विल बी गेटिंग ऑन इन द ग्रुप टू कॉपी इट ऑफ. तो जस्ट आई एम, पहला डिफरेंस जो होगा वो मीनिंग होगा, दूसरा इसमें एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू होती है, इसमें इम्प्यूटेड वैल्यू होती है. दिस इज द पेमेंट कंसेप्ट एंड दिस इज द रिसिप्ट कंसेप्ट. एंड फोर्थ एंड द लास्ट वी हैव इज द एग्जाम्पल. एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल वी पीपल हैव ऑलरेडी डिस्कस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. वेजेस, रेंट एंड रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगी. वेजेस, रेंट, वेजेस आपकी वेजेस पेड टू द वेजेस पेड, रेंट पेड, और आपका रॉ मटेरियल, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, ये सारा का सारा आपका आपका जो है ये सारा का सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगा. और इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन पर्सनल कैपिटल, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स कैपिटल कह सकते हैं हम, ऑनर्स कैपिटल. फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स कैपिटल बिकॉज टॉपिक यहीं पे फिनिश करना है तो नीचे लिख रही हूं बेटा, इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स कैपिटल, रेंट ऑन ओन बिल्डिंग, रेंट ऑन ऑनर्स बिल्डिंग, सैलरी टू द ऑनर फॉर वर्किंग एज अ मैनेजर, सैलरी टू द ऑनर फॉर वर्किंग एज मैनेजर, और वर्किंग एज मैनेजर, एज मैनेजर. सो दिस ऑल कॉस्ट विल बी टेकन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. And normal profits are always considered as a part of implicit cost because they are also paid to the owner for taking all this risk and arranging all the factors of production for doing production. So basically cost function kya tha? It is a functional relationship between cost and output. Kitne kharcha producer ne kiya is level of output ko produce karne ke liye. Fir kitna level of kharcha producer ne kiya agle level of output ko produce karne ke liye. And one more thing jo dhyan rakhenge ye sara concept padhte hue, that it is a shortened concept. Maine aapko last chapter mein bhi shortened concept padhaya tha aur bataya tha ki whenever we talk about a shortened concept, factors of production are divided into two parts, that is fixed factors and variable factor, right? So jab factors of production do parts mein classify ho rahe hain, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई होगी. दैट इज बिकॉज दिस इज ऑल शॉर्टन कंसेप्ट, सो कॉस्ट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तब हमने फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे जहां पे फैक्टर्स की बात थी, अब हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो हम फैक्टर्स की कॉस्ट की टर्म्स में बात करेंगे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, अगर फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है. सो विल टॉक इन टर्म्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है. सो फिक्स कॉस्ट, या इसे टोटल फिक्स कॉस्ट भी कहा जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट. और इसके लिए हम एब्रिवेशन यूज करेंगे टीएफसी, विल बी यूजिंग एब्रिवेशन टीएफसी. और वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है, और इसके लिए हम एब्रिवेशन यूज करेंगे टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. TFC and TVC. Let's discuss TFC and TVC. Now, fixed costs are those costs that a firm incurs to employ fixed inputs. Fixed costs are those costs which the firms incur, वो खर्चा जो producer या firm fixed inputs के ऊपर करती है, like plant, equipments, building, उसके ऊपर करती है, that is called as fixed cost. Whatever the level of output the firm produces, the cost remains fixed. That means for whatever level of output a firm produces, cost remains same. Producer 100 unit produce kare, say let us take an example and then discuss it off. Say rent of the building is 10,000 rupees. Rent of the building that the producer or a firm has taken on rent for starting the production, the rent of the building is 10,000 rupees. Now if a producer produces 0 units of output,
produces 100 units of output or 1000 units of output, the rent of the building will not vary, it will remain fixed. So only I said this is the cost that does not change with change in level of output. Fixed cost is the cost which do not change with change in लेवल ऑफ आउटपुट. आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे इस कॉस्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. आप जीरो प्रोड्यूस करें, आप 100 करें या आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, दिस कॉस्ट इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज इट डज नॉट वेरी और इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. वट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म प्रोड्यूस, द कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड. It remains fixed for the producer. This is the line that I use. So, fixed cost of the production jo hai, wo 0, 100, 1000, 2000, 4000 iske according change nahi karti hai. Dusra hai, iska beta fixed cost ka another name jo hum discuss karte hai, isse overhead cost bhi kaha jata hai. Isse unavoidable cost bhi kaha jata hai. Unavoidable cost bhi kaha jata hai. Isse supplementary cost bhi kaha jata hai. सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहा जाता है. सो दीज आर द अनदर नेम्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट. राइट, नाउ आफ्टर फिक्स कॉस्ट वी हैव, मैंने फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे दिया है. फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल और लेना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉयज परमानेंट है कंपनी के साथ, जिनसे आप प्रोडक्शन करवाएं या ना करवाएं, उनकी कॉस्ट इट इज गोइंग टू बी बॉर्न बाय द कंपनी. चाहे आप प्रोडक्शन जीरो करवा रहे हैं या उनसे 8 घंटे का काम करवा रहे हैं या उनसे 4 घंटे, अगर वो कंपनी के परमानेंट मेंबर्स हैं तो उनकी कॉस्ट जो होगी कंपनी के लिए, उनकी वेजेस जो होगी या सैलरी जो होगी, वो कंपनी के लिए फिक्स कॉस्ट होगी बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. नेक्स्ट वन इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच वेरी, वेरिएबल का मतलब वेरी, द कॉस्ट विच चेंजेस या विच वेरीज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज करेगी. बच्चे अगर आउटपुट जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट विल बी टेकन एज जीरो. जब आपने आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं किया तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट दैट विल बी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन विल बी जीरो. एंड एज यू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज. सो दैट कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट. द कॉस्ट विच चेंजेस और विच वेरीज, विच चेंजेस विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, विच चेंजेस विद चेंज इन लेवल ऑफ output, the cost which changes or which varies with change in level of output, this cost is called as variable cost. मैंने example आपको raw material का दे दिया. For example और ले लो कि बेटा in case electricity का जो bill है, जो unit bill है, units के according आएगा, तो जब तक आप electricity on नहीं करेंगे या machine on नहीं करेंगे तो वो जो electricity का unit cost bill है वो नहीं आएगा. So तो electricity का bill जो unit cost है, जो unit से vary करता है, आपने हम कहते हैं कि per unit electricity से 8 rupees per unit है, तो वो अगर आप जितनी production करेंगे उतनी electricity ज्यादा use होगी और उतनी cost पड़ेगी. So that will be called as variable cost, the cost which changes with change in level of output. They are also called as, इसके दूसरे नाम जो हैं, जैसे इसके overhead, unavoidable और supplementary cost था, इसके बेटा we call it direct cost. इसे हम कहते हैं direct cost, prime cost. We call it as direct cost, prime cost and यहाँ पे देखिए ये था unavoidable, यहाँ पे avoidable. Avoidable cost, ये unavoidable होती है और ये avoidable cost होती है. So this is the basic difference between fixed cost do not change with change in level of output, variable cost changes with change in level of output. एक और चीज, मैंने fixed cost में आपको staff salary of permanent staff बताया था, तो जो salary of temporary staff है, temporary staff मतलब जो उसको आप तब hire करते हो जब production करवानी होती है, आप दिहाड़ी पे लोग तब दिहाड़ी पे काम करने के लिए लेबर तब मंगलाते हो जब आपको production करवानी है, बिठाने के लिए नहीं बुलाते. तो वो जो दिहाड़ी पे बुलाए हुए लेबर होते हैं दैट विल बी, उनकी जो कॉस्ट होगी, उनकी जो वेजेस होंगी दैट विल बी काउंटेड इन, दैट विल बी काउंटेड in variable cost. So variable cost is a cost which changes with change in level of output. आपकी raw material की cost, ऐसे ही mobile का जो bill आता है बेटा fix से, आपका postpaid connection है तो जो rental आना है वो तो आना ही आना है. बाकी हम कहते हैं ना data usage charges कितने पड़ेंगे, अगर वो rental में included नहीं है, जितना आप use करोगे उतने पड़ेंगे. तो वो जो usage charges हैं वो variable cost है और उसका जो rental है that is fixed cost. आप use करो या ना करो, अगर आपने 5
550 का रेंटल प्लान लिया हुआ है तो 550 आपको कंपनी को देना ही देना है. सो दैट विल बी टेकन इनटू फिक्स कॉस्ट. ऐसे ही जैसे हम बिजली का मीटर लगवाते हैं तो एक फिक्स रेंटल से 500 रुपीज आना ही आना है, आप मीटर यूज करें या ना करें. अगर आपके नाम पे बिजली का कनेक्शन है तो 500 रेंटल आना ही है. तो वो जो 500 रेंटल आना है वो फिक्स कॉस्ट है, और जो आपको यूसेज जितनी आप यूसेज करेंगे, यूनिट जितने कंज्यूम करेंगे, उसकी जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी टर्म्ड एज वेरिएबल कॉस्ट. तो उस पूरे टोटल बिल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसका आधा पार्ट जो है वो फिक्स है और आधा पार्ट जो है वो वेरिएबल है. फिक्स कॉस्ट के एग्जाम्पल आपको दे दिए, वेरिएबल कॉस्ट के आपको एग्जाम्पल दे दिए. आगे हम इसमें फिक्स कॉस्ट की शेप क्या होगी और वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या होगी दैट विल डिस्कस, बट दिस विल डिस्कस इन द कमिंग चैप्टर. तो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस, व्हाट आर इट्स डिफरेंट नेम, और द कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, द कॉस्ट दिस चेंजेस विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, अप टिल दिस विल डिस्कस इन टुडेज क्लास. थैंक यू.